हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आउटडोर पे शूट करना पड़ रहा है, मतलब घर के पीछे जो है एक तालाब के साइड पे आके। रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि हमारे मेरे बगल के घर पे ही जो है शादी है और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मतलब बॉक्स वॉक्स बज रहा है, डीजे बज रहा है, जिसके कारण से मुझे यहाँ पे आके शूट करना पड़ रहा है और फोन से ही शूट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ पीडीपी और टी सीरीज के बीच का जो है, इसी के बीच में जो है कुछ फैक्ट के बारे में बात करूंगा। और दोस्तों, इसका रीजन ये है क्योंकि मैंने देखा कि यूट्यूब पे बहुत सारा घमासान युद्ध छिड़ चुका है। रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को जैसा अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, पीडीपी जो है वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब चैनल है, जिसका सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स। एंड दोस्तों, सेकंड नंबर पे हमारा इंडियन चैनल आता है जिसका नाम है टी सीरीज। और इसी दोनों के बीच में जो है अभी डिफरेंस चल रहा है इसी बात का कि कौन आगे जाएगा कौन आगे जाएगा। इंडियन लोग कह रहे हैं टी सीरीज को आगे लेके जाना है और विदेशी लोग कह रहे हैं कि हमारे पीडीपी को आगे लेके जाना है। तो इसी के बीच में जो है झगड़ा चल रहा है, जिसके कारण से मैं इसके बीच का जो है कुछ फैक्ट के बारे में बात करूंगा। और साथ ही दोस्तों, मैं लास्ट में बताऊंगा कि मैं किसको सपोर्ट करता हूं। और दोस्तों, इस वीडियो पर अगर कुछ आप लोगों को मेरे बात को बुरा लग जाए तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा चाहता हूं। और चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं पीडीपी के बारे में। तो दोस्तों, पीडीपी को हम लोग एक तरह से वन मैन आर्मी कह सकते हैं। रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि उसको आप लोग पता है कि इंडिविजुअल यूट्यूबर है जो कि खुद के दम पे इतने सब्सक्राइबर्स है और खुद का जो है वीडियोस क्रिएट करते हैं, खुद के मेहनत के दम पे, खुद के टैलेंट के दम पे है। एंड दोस्तों, दूसरी तरफ अगर बात करें टी सीरीज की, तो टी सीरीज एक कंपनी है जहां पे बॉलीवुड सॉन्ग को जो है रिलीज किया जाता है। बॉलीवुड पंजाबी बहुत सारे सॉन्ग्स, मतलब सॉन्ग रिलीज किया जाता है। और ये एक कंपनी है, ना कि इंडिविजुअल यूट्यूबर है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे इंप्लॉय है जो कि पूरे चैनल को जो है मैनेज करते हैं, काम करते हैं। बट पीडीपी जो है सिंगल एक पर्सन है जो खुद के चैनल को मैनेज करते हैं। अब दोस्तों, हम लोग कंपेयर करते हैं दोनों चैनल के बीच में, तो एक्चुअली में तो कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि दोनों का आप लोग कैटेगरी देख लीजिए। यहाँ पे एक सॉन्ग डालता है और दूसरे तरफ आप देख सकते हैं एक रोस्टिंग चैनल है या फिर वाइंस कर सकते हो। तो दोनों का तो डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है, तो इसमें तो कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। अब दोस्तों, मैंने YouTube पे देखा बहुत सारे जो है लाइव काउंटिंग हो रहा है पीडीपी और टी सीरीज का जो है सब्सक्राइबर्स ग्रोथ देख रहा है, कौन किसना आगे जा रहा है। तो दोस्तों, वहां पे देखा कि बहुत सारा गालियां चल रही है कि गोरे लोग कुछ गालियां दे रहे हैं इंडियन लोग को, और इंडियन जो है भाई बहन है वहां पे गालियां दे रहे हैं गोरे लोगों को। तो दोस्तों, यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग जो है वहां पे मैंने गालियां देखी तो वो देश के रिलेटेड ज्यादा था कि मेरा देश आगे जाएगा, उनका देश नहीं, मेरा देश ज्यादा महान है। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हम लोगों को देश के साथ इसको रिलेट करके नहीं करना चाहिए कंपेयर। रीजन क्या है दोस्तों, क्योंकि अगर टी सीरीज दोस्तों आगे चला भी जाए तो हमारा देश आगे नहीं चला जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों को समझना चाहिए, अगर देश को एक्चुअल में आगे बढ़ाना चाहिए तो देश को तो हमारा जो हम लोगों की कमी है उनको सुधारना चाहिए। जैसे कि स्वच्छता को हम लोगों से ज्यादा ज्यादा स्वच्छ करना है देश को। दोस्तों, पॉल्यूशन जो है बहुत ही ज्यादा दिन ब दिन बढ़ रही है, उन सबको सुधारना है। हमारे देश में साक्षरता को बढ़ाना है। ये सब अगर हम लोग जो है सुधार करेंगे तो हमारा देश आगे जाएगा, ना कि टी सीरीज को आगे चले जाने से हमारा देश आगे चला जाएगा। एंड दोस्तों, पीडीपी जो किया है कि दोस्तों जितना अर्निंग करते हैं वो खुद ही मतलब यूज करते हैं, उन अर्निंग्स का कोई फायदा नहीं होता। बट अगर दूसरी तरफ अगर टी सीरीज की देखा जाए तो दोस्तों, टी सीरीज में हजारों एम्प्लॉय काम करते हैं जिनका घर चलता है टी सीरीज की बदौलत। तो एक तरह से जो है टी सीरीज को ज्यादा अच्छा कहा जा सकता है पीडीपी से। बट दोस्तों, अगर एक तरह से ये कंपेयर कर सकते हैं तो पीडीपी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल यूट्यूबर है, खुद के दम पे चैनल को बनाए हैं और इधर एक कंपनी है। तो इन दोनों के बीच में यही कुछ डिफरेंस है। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ मैं किसको सपोर्ट करता हूँ। तो दोस्तों, एक्चुअली मतलब ये बात है कि तो अगर टी सीरीज आगे चला जाता तो हम लोग का बस एक ही चीज ये होगा कि हम लोग गर्व से कह पाएंगे कि पूरे वर्ल्ड में जो है यूट्यूब चलता है, बट यूट्यूब में सबसे बड़ा चैनल जो है हमारा इंडियन चैनल है। तो ये हम लोग के लिए एक फायदा है कि टी सीरीज अगर आगे चला जाता है तो हम लोग गर्व के साथ कह पाएंगे कि हमारा इंडियन चैनल जो है एक है जो यूट्यूब पे सबसे ज्यादा बड़ा चैनल है। तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ टी सीरीज को, आप लोग भी जाकर टी सीरीज को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी, और टी सीरीज को जितना जल्दी हो सके हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उनको सबसे बड़ा चैनल बनाना है। तो यही हम लोग का कुछ मुद्दा था, यही फैक्ट्स के बारे में कुछ बात करनी थी। तो वीडियो, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, हम लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।